राज्य में असमय बारिश के कारण विदर्भ के किसानों का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसके चलते सरकार के कामकाज पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अनिल देशमुख ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जहां उन्होंने कहा कि काटोल नरखेड क्षेत्र के संतरा एवं तुवल किसानों का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। जहां पंचनामा किया गया तो काटोल एवं नरखेड तहसील के रिपोर्ट नील दिखाई दी है, जो अयोग्य बात है। जहां आगे उन्होंने बताया कि भारी नुकसान के बाद भी अगर सरकार ऐसा करी है तो यह किसानों के साथ अन्याय है। ऐसा खुद पूर्व मंत्री विधायक अनिल देशमुख ने विधानसभा में पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से व्यक्त किया। पिछले दो सत्रों में मांग हो रही है कि नागपुर जिले में कोंढाली ग्रामीण अस्पताल है, इसका काम आंशिक रूप से पूरा हुआ है और इसे पूरा करने में 7 से 8 करोड़ रुपए की जरूरत है। पिछले दो सत्र में मंत्री ने कहा था कि 8 दिन के अंदर राशि उपलब्ध कराने का वादा किया था, परंतु अभी तक उनके 8 दिन पूरे नहीं हुए हैं। अनिल देशमुख ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत से जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। कई जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनकर तैयार है, लेकिन पद सुजित नहीं होने के कारण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं है। यह पोस्ट बनाकर इन भवनों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ऐसी मांग पूर्व गृह मंत्री विधायक अनिल देशमुख ने विधानसभा में प्रश्नोत्तरी के दौरान की। विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला आहे। समारोप नागपूर जिल्ह्यात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पावसाचं नुकसान झालं आहे। अध्यक्ष मध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये काटोल नरखेड तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पावसामुळे कापूस तूर संत्रा याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे। पण जेव्हा पंचनामे केले सर्वे केला त्याच्यामध्ये रिपोर्ट काटोल नरखेड तालुक्याचा नील दाखवण्यात आलाय, हे अतिशय चुकीचं आहे। अध्यक्ष महोदय, इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन चर्चेला सुरुवात संपल्यानंतर आपण देऊ शकतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।